तो उत्तर प्रदेश में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, एक दूसरे पर वार पलटवार किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली में नीति आयोग की बैठक चल रही है और इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि इस बैठक को बीच में ही छोड़कर निकल गई हैं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और उन्होंने ये कहा है कि केंद्र सरकार बंगाल के साथ भेदभाव कर रही है। इस बैठक में ममता बनर्जी शामिल तो जरूर हुई लेकिन इस बैठक को बीच में ही छोड़कर ममता बनर्जी निकल गई है और आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार बंगाल के साथ भेदभाव कर रही है। छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर बोला, वो लोगों के 10 मिनट 12 मिनट बोलने दिया, मेरे को बोलने का 5 मिनट होने का नाते स्टॉप कर दिया। ऐसे दिस इज अनफेयर। ओनली वन फ्रॉम ऑपोजिशन साइड ओनली आई एम प्रेजेंटिंग हियर, आई एम अटेंडिंग दिस मीटिंग बिकॉज ऑफ द ग्रेटर इंटरेस्ट दैट आई वी नो दैट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म शुड बी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथेन। You are political bias, you are not giving the proper attention to different states. Even budget also, this political bias budget. You give special college attention to some state, I don't have any problem. But why don't you, आपने क्यों discriminate किया है? मैंने बोला इसको आपको रिव्यू करना चाहिए। उसके बाद में मैंने बोला देखिए मैं हर स्टेट के लिए बोल रहा हूँ। जब आप तो डायरेक्शन देता है, काम तो हम करते हैं। एक प्लानिंग कमीशन का जो हम काम करते थे उसको प्लानिंग करता था स्टेट के लिए। ये नीति आयोग को तो कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है, वो कैसे करेंगे? उसको फाइनेंशियल पावर दीजिए, नहीं तो प्लानिंग कमीशन को वापस ले आइए। मैं और एक बात बोला, देखिए मेरे स्टेट के लिए भी आपको कहना है कि आप 3 साल से हमारा 100 दिन का काम बंद करके रखा, आप आवास योजना बंद करके रखा, प्रधानमंत्री योजना बंद करके रखा, अब रोड रूरल रोड बंद करके रखा, ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलता है। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इफ यू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन योर पार्टी टू अदर पार्टी देन हाउ द कंट्री विल रन? व्हेन यू आर इन पावर यू हैव टू टेक केयर फॉर ऑल, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। मैंने जो बोलना इतने बोला है उसका बाद में बस मेरे को माइक स्टॉप कर दिया। आप छोड़कर आ रहे बीच में, हम नाराज हैं, नाराजगी की वजह से हमारा, देखिए मैं बोलने चाहते थे पूरा बात लेकिन मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन वो लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला और ऑपोजिशन का ओर से मैं अकेला आया लेकिन तब भी मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। I will not attend any meeting further. तो देखिए ममता बनर्जी अपनी नाराजगी जाहिर कर रही हैं और कह रही हैं कि सबको 10 से 15 मिनट बोलने का मौका मिला लेकिन जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया 5 मिनट बाद मेरा माइक बंद कर दिया गया। ये बंगाल के साथ भेदभाव किया जा रहा है और इसी बहाने ममता बनर्जी ने एक बार फिर बजट को निशाने पर लेते हुए कहा कि जैसे बजट भेदभाव वाला है ऐसे ही नीति आयोग की बैठक में भी भेदभाव किया जा रहा है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पारेषण इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, ये कोई नई बात नहीं है जब ममता बनर्जी भेदभाव का आरोप केंद्र सरकार पर लगाती हैं, कभी फंड्स को लेकर आरोप लगाए जाते हैं और आज नीति आयोग में ना बोलने देने का एक गंभीर आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाया गया। निश्चित तौर पर, और उस पर केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष आना बाकी है कि आखिर किसको कितना समय दिया गया था। उनका ये कहना था कि महज उनको 5 मिनट से का ही समय दिया गया था जबकि अपोजिशन के बाकी बहुत सारे नेता उसमें नजारा थे। हालांकि आप नीति आयोग की बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के आधार पर नहीं बुलाया जाता है, सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाता है जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनके LG को बुलाया जाता है, तो उस लिहाज से बुलाया जाता है। उसमें सत्ता पक्ष विपक्ष के आधार पर टाइम का बंटवारा नहीं होता जैसा कि लोकसभा में होता है, लेकिन ममता बनर्जी आरोप लगा रही थी। दूसरी तरफ आप देखें तो बैठक में जाने से पहले प्राची उन्होंने अपने तेवर दिखा दिया था और बताया भी था कि आखिर वो किस मकसद से जा रही है। जैसे वो चाह रही हैं कि हाँ प्लानिंग कमीशन को फिर से लाया जाए, नीति आयोग को लेकर वो सवाल खड़ा करते रही हैं। हालांकि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में आप देखें तो मंशा के हिसाब से और बेहतर कोऑर्डिनेशन के हिसाब से आपको नीति आयोग का अध्यक्ष ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर किसी प्लानिंग पर काम करते हैं जबकि प्लानिंग कमीशन सिर्फ केंद्रीय स्तर पर वो काम करता था। तो ये